फिल्म मेकर फारा खान ने बॉलीवुड को कई हिट फिल्में दी हैं। उनकी डायरेक्ट की गई ज्यादातर फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाई है। वहीं डायरेक्शन के साथ फारा खान एक बेहतरीन कोरियोग्राफर भी हैं। उन्होंने कई सुपरहिट गानों को कोरियोग्राफ भी किया है। इसी के चलते फारा खान को फिल्म एग्जीबिशन सेंटर और थिएटर वर्ल्ड की ओर से सम्मानित किया गया। फारा खान ने अवार्ड लेने के बाद सबका थैंक्स किया। मुंबई के हार्ड रॉक कैफे अंधेरी वेस्ट में सिंगल सॉन्ग पछताओगे की सक्सेस होने की खुशी में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई, जहां सभी ने इसके बारे में बातें की। आपको बता दें कि सिंगल में विकी कौशल और नूरा फतेही की केमिस्ट्री को लोगों ने खूब पसंद किया है। आयुष्मान खुराना की फिल्म ड्रीम गर्ल सोशल मीडिया पर छाई हुई है। जी हां, सोशल मीडिया पर ट्रेलर को जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा है। यूजर्स का कहना है कि आयुष्मान ने एक बार फिर अपनी शानदार एक्टिंग से लोगों का दिल जीत लिया है। आपको बता दें कि 2 मिनट 52 सेकंड का ये वीडियो आपको खूब हंसाएगा। और जल्द रिलीज होने वाली इस फिल्म के 2 गाने पहले ही रिलीज हो चुके हैं। मुंबई में विद्या बालन ने मिनी वेद की बुक दोज मैग्निफिकेंट वीमेन एंड देयर फ्लाइंग मशीन्स को लॉन्च किया। ये बुक इसरो पर डिपेंड है। इस मौके पर विद्या बालन काफी एक्साइटेड दिखी और विद्या बालन ने इस बुक के बारे में खास बातचीत भी की। फिल्म मिशन मंगल की स्क्रीनिंग मुंबई के बीएमसी स्टाफ के लिए रखी गई, जहां पर बीएमसी का स्टाफ मौजूद था। इस मौके पर अदाकारा विद्या बालन भी प्रेजेंट हुई। यहां पर विद्या बालन ने बीएमसी स्टाफ के लोगों का रिस्पांस देखा और काफी एक्साइटेड भी नजर आई। बहुत अच्छा लगता है ये देख के कि वो सब बहुत इंस्पायर्ड फील कर रहे हैं, प्रोत्साहित महसूस कर रहे हैं। ये देख के बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज जब हम फिल्म बना रहे थे तो पता नहीं था कि लोग कैसे रिसीव करेंगे। ऑफ कोर्स फिल्म बहुत अच्छी चल रही है, पर बीएमसी के लोगों को अच्छा लगा, कार्यकर्ताओं को अच्छा लगा, ये बहुत बड़ी बात है। वही मैं कह रही हूँ कि यू नो, ऐसे जो उनको सीख मिली ना इससे, इंक्लूडिंग द फैक्ट दी कि हम लोग अगर इसको एक सिर्फ एक जॉब मानकर चले तो 8 घंटे काम करें और निकल जाए तो ठीक है, जॉब है, पर अगर आप पैशनेटली कभी ज़्यादा भी रुक के काम करके जाएं तो शायद बहुत कुछ हासिल कर पाएंगे। तो अलग अलग लोगों ने ऐसे अलग अलग उनके उनके मतलब या इमोशंस शेयर किए। ऐसा लगता है कि नाच उठूं। ये जाहिर सी बात है कि मेरी अब तक की सबसे बड़ी हिट है और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये सिलसिला आगे बढ़ता रहेगा इस फिल्म के साथ और बाकी फिल्मों के साथ भी। पर इतना प्यार मिल रहा है ना कि बहुत अच्छा लग रहा है। अभिनेता संजय दत्त को महेश भट्ट के ऑफिस से निकलते हुए किया गया स्पॉट, जो यहां पर सड़क के बारे में डिस्कस करने पहुंचे थे। अभिनेता अभिषेक बच्चन को जुहू से सनी सुपर साउंड डबिंग स्टूडियो में किया गया स्पॉट, जो यहां पर अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट की डबिंग के लिए पहुंचे हुए थे। अभिनेत्री सौरभ भास्कर को ज्यादातर सिटी में देखा नहीं जाता, लेकिन उन्हें देखा गया जुहू के एक सैलून में, जहां वो मेकअप सेशन के लिए आई हुई थी। अपने बच्चों के प्ले स्कूल में पहुंची सनी लियोन, जिनको किया गया स्पॉट। यहां पर व्हाइट आउटफिट में खूबसूरत लग रही थी सनी लियोन। जोहू से सनी सुपर साउंड में तेलुगु फिल्म इवारो की स्पेशल स्क्रीनिंग का आयोजन किया गया, जहां तेलुगु मूवी सुपरस्टार आदि विशेष, राधिका मदान और अभिनेत्री भाग्यश्री अपने हस्बैंड के साथ नजर आई।